Under the chapter of consumer behavior, we are going to study weak axioms of revealed preference. So, it is in the connectivity of our previous modules where we have studied revealed preference and non revealed preference or indirectly revealed preference. So, when we say the weak axioms of the revealed preference, so we can say that these are those principles that at least should be met.

कुछ कम्बिनेशन के दरमियान डिसाइड करना होता है कि आई दर आई हैव है आई दर आई हैन एवर कंज्यूमर इज़ फेसिंग दीज टाइप ऑफ द सिचुएशन तो जो उसका बिहेवियर हम स्टडी करते हैं उसी के बारे में जब हम बात करेंगे तो दैट विल बी द कंज्यूमर बिहेवियर और अब वो दो बंडल्स हैं उसके पास जिसमें हम कह रहे हैं कि देयर विल बी वन बंडल ए जिसमें एक्स वन एक्स टू का कम्बिनेशन है और एक दूसरा बंडल है बी जिसके अंदर कुछ कमोडिटीज हैं जो कि वाई वन वाई टू तो इट मीन्स दीज टू बंडल्स आर सो दैट द कमोडिटीज इंक्लूडेड इन दीज बंडल दे आर डिफरेंट टू ईच अदर दे आर नॉट द सेम तो जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्सिविटी है वो यहाँ पे नहीं होगा ये दीज टू आर द डिफरेंट बंडल और ये मिनिमम कंडीशन इसमें यह है कि अगर कंज्यूमर ने किसी भी लम्हे किसी भी डिसीजन में अपने एक बंडल को ए को बी के ऊपर तरजीह दे दी तो हमें ये अब देखना है कि ये उसने अपनी तरजीह का इजहार यह कर दिया प्रेफरेंस को रिवील कर दिया जाहिर कर दिया तो हमारा ये असूल प्रिंसिपल ये कहलाता है कि आइंदा जब भी उसको इन दो बंडल्स के दरमियान फ़ैसला करना होगा जिस बंडल को उसने आज तरजीह दी है वो अपनी उसी तरजीह को मुस्तहकम रखेगा और हमेशा बंडल ए को बंडल बी पे और या कम्बिनेशन ऑफ एक्स वन एक्स टू को वाई वन वाई टू पर तरजीह देगा अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे कुछ जो आजम्शन हैं वो यही है कि हमें ये देखना है कि ये जो दोनों बंडल्स हैं ये दोनों उसके बजट लाइन पर मौजूद हैं क्योंकि कोई भी बंडल हो सकता है कि उसकी बजट लाइन के बाहर हो या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि ये उसकी कीमत खरीद से बाहर हो तो जिन दो बंडल्स के बारे में डिसीजन या कंपटीशन हो रहा है उसका पहली एजम्पन ये है कि द बोथ बंडल्स दे आर विद इन द प्राइस रेंज और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम देखें कि बोथ बंडल्स जो अवेलेबल हैं उन दोनों के कमोडिटीज़ चूँकि डिफरेंट हैं तो कमोडिटीज डिफरेंट होने की वजह से उनकी कीमतें भी मार्केट में सेम भी हो सकती हैं डिफरेंट भी हो सकती हैं लेकिन आपस में क्योंकि डिफरेंट कमोडिटीज हैं तो हम उनके लिए डिफरेंट तरीके से आ, नोटिंग करेंगे तो बंडल हमारा एक है जिसमें हमने कहा कि बंडल X1, X2 है दूसरा बंडल है हमारा Y1, Y2 है और वी कैग्ज्यूम कहता है कि दे बोथ आर अवेलेबल ऑन द सेम बजट लाइन और विद इन द सेम बजट रेंज एक ही बजट लाइन के ऊपर या अंदर होने के बावजूद अगर हम कहें कि वो उनको परचेज कर रहा है किसी एक को और दोनों बंडल जो हैं वो दोनों सेम नहीं हैं डिफरेंट हैं और इसका मतलब है चूंकि वो दोनों सेम नहीं हैं और वो एक्स वन को परचेज कर रहा है तो एक्स वन इज डायरेक्टली रिवील्ड ओवर वाई वन वाई टू और अगर वो वाई वन को परचेज कर रहा है देन वाई वन इज़ डायरेक्टली रिवील टू एक्स वन अब अगर हम इसमें देखें तो इसके बैक एंड पे तीन अजम्पन्स हैं वो लाजमी रहेंगी जो हमारी कंज्यूमर प्रेफरेंस के लिए मौजूद हैं नो सेटिएशन या नॉन सेटिएशन मीन्स के कंज्यूमर का हमेशा दिल चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा कमोडिटीज परचेज करे वो कभी भी उसकी तलब पूरी नहीं होती हाँ कुछ एक लम्हे कुछ एक वक्त में एक कमोडिटी के लिए हो सकता है वो हो जाए क्योंकि वो डोमिनशिंग मार्जिनिटी का कॉन्सेप्ट हमें देखना हो ट्रांजिटिविटी वो यहाँ पे मौजूद होगी तीसरी मोनोटोनिसिटी मोनोटोनिसिटी इन सादा अल्फाज में ये है कि हमेशा ज़्यादा चीज़ें प्रेफर की जाती हैं कम के ऊपर या किसी भी कमोडिटी की ज़्यादा अमाउंट हमेशा जब भी होगी वो उसकी तरजीह में रहेगी तो इफ़ ऑल द एलिमेंट्स इन एनी बंडल जो हमने देखा है ए वो अगर बंडल में मौजूद जिसमें एक्स वन और एक्स टू है अगर उसकी अंदर मौजूद चीज़ें किसी भी और कम्बिनेशन में बढ़ा दी जाए तादाद बढ़ा दी जाए चीज़ें वही रहें तो वो बंडल पहले भी प्रेफर्ड था अब भी प्रेफर्ड ही रहेगा और ए मस्ट बी प्रेफर्ड टू बी और इसी कंडीशन को देखते हुए अब हमारा जो कंडीशन वो कंक्लूजन है वो ये है कि जब भी कोई एक बंडल पोज़ अगर बंडल ए टू बंडल बी इन वन कंडीशन देयर विल बी एनी टाइप ऑफ देशन वेन ए और बी के दरम्यान उसको फैसला करना होगा तो वो हमेशा बंडल ए को ही प्रेफर करे और ये उसके वीक एग्ज्यूम्स के अंदर आए अगर हम इसी की डायग्रामेट्रिक के तौर पर हम देखें तो अब हम देखें तो ये अगर ये वाली लाइन है जो उसकी शो करती है उसके बजट लाइन को अगर हम देखें तो यहाँ बजट लाइन से मुराद ऐसा नहीं है कि किसी और लम्हे में उसकी इनकम चेंज हो जाती है क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि जो बजट है मीन्स डेट विल बी इक्वल टू प्राइस प्लस लाइक दिस और इट कैन बी इक्वल टू प्राइस वन ऑफ बाई वन प्लस पी वन वाई वन एंड एंड द थर्ड लेवल इट कैन बी पी वन जी वन प्लस पी थ्री तो दीज प्राइसिस कैन बी डिफरेंट तो वैन दीज प्राइसिस आर डिफरेंट तो वैन वी डिवाइड एम बाय प्राइस तो ये वाला अगर एक्स के लिए पॉइंट है तो ये और होगा क्योंकि ये प्राइस ऑफ एक्स है जब इनकम को हम प्राइस ऑफ वाई के हवाले से डिसाइड करेंगे तो ये पॉइंट और होगा और उसी तरीके से जब इनकम को हम डिवाइड करेंगे पी वन जो कि जी के लिए है तो ये और होगा तो इस वजह से हमारा जो बजट लाइन के ये कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट हैं ये डिफरेंट बन रहे हैं वो इसलिए हैं कि प्राइसेस ऑफ एक्स वाई और जी देट कैन बी डिफरेंट तो इफ़ एक्स इज सिलेक्टेड व्हेन वाई वाज अवेलेबल नॉट इन द मार्केट रादर विद इन द बजट लाइन तो इस बजट लाइन को अगर हम देखें तो इस बजट लाइन के अंदर अंदर उसके पास जो चीज़ अवेलेबल थी वो जस्ट इसके ऊपर उसकी ये प्रेफरेंस थी एक्स की जबकि वाई भी अवेलेबल था और उसी तरीके से हम कहते हैं कि जब वाई को वो सिलेक्ट कर रहा है और जबकि एक्स भी उसको अवेलेबल हो तो हम कहते हैं कि वाई को उसने प्रेफर किया एक्स के ऊपर अब इसी सारी सिचुएशन को देखते हुए अगर हम कहते हैं कि एक्स और वाई दे आर इन बजट लाइन बट जी इज नॉट इन द रेंज ऑफ द बजट तो जो जी कम्बिनेशन है उसको अगर उसने नहीं खरीदा तो वो इसलिए कि वो उस रेंज से बाहर था तो जिन दो का वो डिसीजन करते हुए अगर वो एक को नहीं खरीद कर रहा तो उसके बारे में हम कहेंगे कि उसको उसने प्रेफर नहीं किया और जिसको उसने परचेज किया है दैट इज एक्स तो वो हर आने वाले कम्बिनेशन में उसको ही वाई कम्बिनेशन के ऊपर प्रेफर करें अब अगर हम देखें तो इसकी वायोलेशन कब होती मीन जो असूल हमने वजह किए क्या वो हमेशा मुक्र रहेंगे या कभी डिफरेंस भी हो सकता है वो तब मुमकिन है जब हमने जैसे कहा कि अगर एक्स इज़ प्रेफर्ड टू वाई दैट इज़ वन डायरेक्शन बट उसी तरीके से किसी और मरहले में अगर उसको इन दोनों कम्बिनेशन के दरमियान फ़ैसला करना पड़े और वो अपने पिछले फैसले को चेंज कर ले मीन जो फ़ैसला था एक्स कम्बिनेशन को वाई पे प्रेफर करने वाला वो उसमें मुस्तकम ना रहे रादर वो अपनी पसंद बदल ले और वाई को प्रेफर कर दे एक्स के ऊपर तो हम कहेंगे कि अब उसने जो वायोलेशन की है वो प्रेफरेंस थ्योरी की कंसिस्टेंसी का जो हमारा एक्सियम था ये उसकी वायोलेशन हो रही क्योंकि कंसिस्टेंसी कहती है कि जो पसंद उसने आज शो की है वो उसी को हमेशा शो करेगा तो कंज्यूमर ने X1 वाला बंडल लिया है हालांकि वो Y1 वाले को परचेज कर सकता था और जब उसने वाई वन वाला परचेज किया है जब वो एक्स वन वाले को कर सकता था तो अब ये जो दोनों चीजें हैं ये अपोजिट डायरेक्शन को शो करती हैं तो मीन्स पहले वाले बंडल में हम कहते हैं कि एक्स वन एक्स टू वाज प्रेफर्ड ऑन वाई वन वाई टू और किसी और कम्बिनेशन में वाई वन और वाई टू इज प्रेफर्ड ऑन एक्स वन एक्स टू तो ये रिवील्ड प्रेफरेंस की थ्योरी की अगेंस्ट हो जाता है और ये अगर हम देखें तो ये रिवील्ड के वीक कगज्यूम्स को अगर हम कहें तो ये उसकी वायोलेशन में आ जाता है और कंज्यूमर प्रेफरेंस की जो थ्यूरी ऑफ कंसिस्टेंसी है ये उसके भी अगेंस्ट चल जा जाता है तो इसीलिए हमने एक पहले जो एजम्पन तय की थी कि ये तमाम असूल उसी वक्त कारामद होंगे उसी वक्त होंगे जब हमारे शाह हमारे कुछ अजम्पन्स जो हैं जो वो हमारी वैलिड रहेंगी जिसमें हमारी कंसिस्टेंसी ट्रांजिटिविटी रिफ़्लैक्सिविटी वो तमाम की तमाम को हम फॉलो करते हैं